Here we are seeing 6 LED dancing light. This is the circuit. This is a circuit diagram. Here you are seeing only 2 transistors, T1, T2. That can be BC148 or BC548. Both are NPN type. 3 LEDs are green alternate one and 3 LEDs are red. This circuit is constructed by one of the student. लेकिन देखने से ही पता चलता है कि सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ नहीं है. सोल्डरिंग क्वालिटी भी देख लीजिए. ये एक LED कनेक्ट ही नहीं किया हुआ था तो वो तो मैं अभी कनेक्ट कर दिया हूँ. दूसरा तो ये यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं. दिस LED शुड बी इंसर्टेड फ्रॉम दिस कंपोनेंट साइड. ये कंपोनेंट साइड है एंड दिस इज ट्रैक साइड. और यहाँ पे सोल्डर करना चाहिए थे. ये उल्टा किया होगा है. और यहाँ पे मैंने सप्लाई भी दे दिया हूँ. 9 वोल्ट है लेकिन काम तो नहीं कर रहा. आपको बता देता हूँ वोल्टेज कितना है. आप देख सकते हैं 9 वोल्टेज यहाँ पे है. 9 वोल्टेज पूरा दिया गया है लेकिन सर्किट काम नहीं कर रहा है. इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल सर्किट. R13 आर 56 किलो. सो दीज टू आर 56 किलो रजिस्टर्स. रेड, ब्लू एंड ऑरेंज. एंड दिस R2, R4 आर 100 ओम्स. ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन. दीज टू कैपेसिटर्स आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड. एज पर दिस सर्किट बेस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द कैपेसिटर. Here also base is connected to positive of the capacitor. This is the base of first transistor. This one. And this is the capacitor terminal. It is positive. It is okay. And this capacitor is connected properly. But whether it is working or not, that we have to see. Then this is the base and it is connected here. So that is negative. This is negative, this is positive. So this capacitor terminal should be interchanged. This should be positive. Ye positive hona chahiye jabki yahan pe negative ko कनेक्ट किया गया है. नाउ हियर इट इज चेंज. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. हियर ट्रैक उखड़ गया था तो इसको वायर को ही एक्सटेंड करके सोल्डर किया गया है. इधर भी उसी तरीके से किया गया. अब देखते क्या होता है. ग्रीन LED ग्लो हो रहा है, रेड LED नहीं हो रहा है और न ही ब्लिंकिंग हो रहा है. तो मतलब कि और प्रॉब्लम अभी तक बाकी है. LEDs, रेड LEDs वेर नॉट ग्लोइंग बिकॉज ऑफ
दिस ट्राई कनेक्शन, यहाँ का जो कनेक्शन था वो सही नहीं था, इसलिए इसको क्लीन करके फिर सोल्डर किया गया। तो अब ग्लो तो हो रहा है। लेकिन ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है अभी। अब देखते ब्लिंकिंग क्यों नहीं हो रहा है। Here you can see the effect of 6 LED dancing light. Here 3 red LEDs are glowing at a time, then immediately 3 green LEDs are glowing. Means alternately many pehle 3 ग्रीन अगर ग्लो होते हैं तो बाद में 3 रेड ग्लो होते हैं और सर्किट ना वर्क करने का मेन कल्प्रिट था जिस कैपेसिटर।